साल 2002 जब गुजरात दंगों की दहशत लोगों के दिल में घर कर चुकी थी, गोधरा कांड के बाद एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। कई लोगों ने बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला, साथ ही परिवार के 7 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। वो इतने पर ही रुके नहीं, बल्कि उन्होंने 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ गैंगरेप किया। बिल्किस जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पुलिस के पास पहुंची और मामला दर्ज हुआ। समय लगा, लेकिन साल 2004 में पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। साल 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उनमें 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 15 अगस्त 2022 को ये सभी 15 साल की सजा पूरी होने के आधार पर गोधरा जेल से रिहा हो गए। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि इन दोषियों को किन कानूनी आधार पर समय से पहले रिहा किया गया है, और क्या वाकई उम्र कैद का मतलब उम्र भर की कैद होता है या नहीं, आइए जानते हैं। पहले जानते हैं बिल्किस बानो केस में दोषियों के रिहा होने के पीछे के कानूनी आधार को। तो सीआरपीसी की धारा 433 और 433A के तहत संबंधित राज्य सरकार किसी भी दोषी के मृत्युदंड को किसी दूसरी सजा में बदल सकती है। उम्र कैद को भी 14 साल की सजा पूरी होने के बाद माफ कर सकती है। इसी तरह कठोर सजा को साधारण जेल या जुर्माने में भी बदल सकती है। राज्य की बनाई इस पॉलिसी को रिमिशन पॉलिसी कहते हैं। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों में से एक राधेश्याम भगवान दास शाह ने गुजरात हाईकोर्ट से रिमिशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा करने की अपील की थी, लेकिन जुलाई 2019 में गुजरात हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी, इसलिए रिहाई की अपील भी वहीं की जानी चाहिए। दोषी भगवान दास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में गुजरात सरकार फैसला करे, क्योंकि अपराध वहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला लेने के लिए एक समिति गठित की। समिति ने सर्वसम्मति से 11 दोषियों के रिमिशन यानी समय से पहले रिहाई के पक्ष में फैसला सुनाया और गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को रिहा कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उम्र कैद सिर्फ 14 साल की ही होती है। साल 2012 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उम्र कैद मतलब उम्र भर की कैद। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता के मुताबिक उम्र कैद का मतलब आजीवन कारावास होता है और इसे सिर्फ 14 साल जेल की सजा मानने की धारणा गलत है। अदालत अपराध के अनुसार सजा सुनाती है, इसमें उम्र कैद या मौत तक जेल की सजा भी शामिल होती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उम्र कैद का मतलब होता है जीवन भर जेल में रहना। तो इन्हीं कानूनी आधार पर गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के सभी दोषियों को रिहा कर दिया है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।